गाइस यार आज सुबह से ना पता नहीं क्या हो रहा है यार। लॉस सैंटोस के अंदर ना इतनी तेज वाली यार बारिश हो रही है, और आप देख सकते हो यार हमारे घर का स्विमिंग पूल ना एकदम भाई फुल भर चुका है, और इतनी तेज वाली बारिश आ रही है ना, और पूरे एकदम यार तूफान आंधी वगैरह सब चल रहा है, इतनी तेज वाली हवा चल रही है, और मेरे को तो यार समझ नहीं आ रहा यार ये बारिश ना रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। और ना मैं आज सुबह सुबह उठा था यार 7 बजे, और ना तब भी यार ना इतनी तेज वाली यार बारिश आ रही थी, और गाइज यार रात को भी ना मैं उठा था यार ना 1-2 बजे, और तब भी ना इतनी तेज वाली यार बारिश आ रही थी। और ना आज तो ना यार तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज था बहुत ज्यादा तगड़े वाला। सिंचन बता दूं क्या? अरे हाँ प्रियंका जी, बता दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो यार मैंने तुमको सरप्राइज बता ही देता हूँ भाई क्या था। आज ना गाइज हम लेने जाने वाले हैं ना भाई अपनी न्यू महिंद्रा रॉक्स गाइज 5 डोर थार जो नई आई है ना भाई, वही आज ना हम यहाँ पर खरीदने वाले हैं। और भाई और ना अभी यार उसी गाड़ी को ना हमको लेके आना है, और यहाँ पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बट यार मेरे को लग रहा है ना हमें यार बारिश में ही जाना पड़ेगा। तो सिंचन यार चले क्या? अरे हाँ यार फ्रेंकल भैया, चलते हैं यार, ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार टाइम बताओ कितना हुआ। अबे टाइम तो हो गया भाई 12:01 हो रखे हैं। गाइस यार मैं तुमको क्या ही बताऊँ भाई, इतनी तेज वाली बारिश हो रही है ना, मेरा मन तो कर रहा है मैं ना कल ले आऊँ यार महिंद्रा थार रॉक्स, बट यार मेरे को ना आज ही लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ना हमने यार वो गाड़ी बुक कर रखी है ऑलरेडी, और कि कोई खरीद लेगा ना यार हम लेट हो जाएंगे। तो चलो यार ना जल्दी से अभी चलते हैं। सबसे पहले तो ना मेरे को जाना है यार ना कहीं पे भाई साहब एकदम अच्छे वाली यार ना ड्रेस शॉप पे, क्योंकि ना मेरे पास अभी ना कपड़े अच्छे वाले नहीं बचे, और ना बारिश में भी ना सारे सारे कपड़े भीग चुके हैं। तो सिंचन यार जल्दी से आ जा भाई, इतनी तेज वाली बारिश हो रही है, फटाफट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। चल ब्रो सिंचन जल्दी से आके बैठ जा अब गाड़ी में, पता चले भाई तेरे भी कपड़े गीले हो जाए और तो फिर तू गाड़ी को भी गीली करेगा। लो भाई यहाँ पर से सिंचन भी आ चुके, और ये चेक करो भाई, देख रहे हो यार कितनी खतरनाक वाली गाड़ी गई है भाई, नैनो का एकदम जलवा ही अलग है भाई, ये चेक करो यार बारिश के मौसम में नैनो यार कितनी ज़्यादा ओपी लग रही है भाई, देख रहे हो क्यों, अरे बाप रे यार गंदी भी हो गई हमारी गाड़ी अभी से पहले, बट कोई बात नहीं भाई छोटी सी गाड़ी है ना इतनी तेज भागती है मैं तुमको क्या ही बताऊँ यार, एकदम पतली पतली गलियों से भी निकल जाती है यार इस गाड़ी का, बस यही फायदा है, इसलिए ना इस गाड़ी को मैं भाई मैं अपने साथ ही रखता हूँ। बट यार आज ना तुम्हारे भाई के पास आने वाली है महिंद्रा थार रॉक्स गाइस 5 डोर थार है ना जो, वो वाली, और भाई खुशी तो मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं तुमको क्या ही तो बताऊँ भाई साहब। और ना फिलहाल के लिए गाइस यार ना मैंने ना शोरूम में बात करी थी तो उनने हमको बताया ना गाइस यार 12 लाख रुपीज़ प्राइस है उसका, और ना भाई मैं थोड़े बहुत पैसे भी लेकर आ चुका हूँ, थोड़े बहुत नहीं 15 लाख रुपीज़ गाइस यार मैं लेके आऊँ गाड़ी में अपने रखे हैं। ला भाई साहब गाड़ी को देखो भाई क्या हालात बना दिए गाइस यार, लिटरली मतलब लग रहा है भाई तुम्हें मैं यहाँ पर थार लेने जा रहा हूँ ऐसे मौसम में, और यार मज़ा आ जाएगा भाई। एक सेकंड यार मेरे दिमाग में ना एक बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला आइडिया है गाइज, यहाँ पर ना बारिश भी हो रही है और ना अपन थार तो ले रहे हैं, तो क्या भाई आज हम अपनी महिंद्रा थार रॉक्स का भाई ऑफ रोडिंग टेस्ट कर दे क्या, क्या बोलता है सिंचन? अबे हाँ यार फ्रेंकल भैया, सच्ची बोल रहे हो यार तुम, तो मजा आ जाएगा यार, नई गाड़ी लेते यार ऑफ रोडिंग करने चलेंगे भाई थार से पहाड़ों में। अबे हाँ यार सही बोल रहा है चिंचन। तो चलो भाई फाइनली ना तुम्हारे भाई ने यहाँ पर यार प्लान बना लिया, तो भाई थार लेती ना यार पहाड़ों में चलेंगे एकदम ऑफ रोडिंग करने के लिए। अबे यार ये गाड़ी कितनी स्किट मारती है यार। ओके तो गाई यार हम ना फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं ना भाई अपने कपड़े की शॉप पे, और इस गाड़ी के ना ब्रेक मतलब मैं तुमको क्या ही तो बताओ भाई साहब, इतने ज़्यादा अखंड लेवल के ब्रेक है ना, मतलब गजब भाई। चलो ब्रो सिंचन अब तू भी आ जा जल्दी से भाई, बाहर गिल्ला मत हो। ओके तो यहाँ पर ना जल्दी से गाई यार ना कपड़े वगैरह खरीद लेते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर नहीं भाई ये अच्छे नहीं लग रहे अपन को, अपना टी शर्ट चाहिए यार, अपने पास ना पैंट वगैरह तो बहुत सारी पड़ी हैं। चलो भाई लोग फाइनली तुम्हारे भाई ने कपड़े ले लिए, चलो ना एक जल्दी से पैंट भी ले लेते हैं। ओके तो गाइस यार तुम्हारा भाई ना फाइनली यहाँ पर ना अपनी शॉपिंग करके आ चुका है, आप देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा ना भाई खतरनाक मैं ना यहाँ पर कपड़े लेके आया हूँ। चल ब्रो सिंचन अब तू भी आ जा फटाफट से, और गाइस यार अपनी गाड़ी को भी जल्दी से भगाते और ना पहुँचते यार ना वहीं पे यार गाड़ियों के शोरूम पे। और गाइस यार मैं तो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई नई थार को देखने के लिए, और ना पता नहीं कैसी होगी, मैंने आज तक ना रियल लाइफ में यार देखी नहीं है, अभी ना भाई फाइनली यार जाकर देख के आएंगे भाई कैसी लगती है अपनी महिंद्रा थार। और ना मैं सोच रहा हूँ ना यार थोड़ा शॉर्टकट मार लेते हैं, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज ना गाइस यार बढ़ती जा रही है, इस गाड़ी का ना भाई कोई भरोसा नहीं है कहीं पे भी ना भाई ठुक के खड़ी हो जाती है, इसलिए ना जब अपनी महिंद्रा थार रॉक्स अपन को मिल जाएगी ना भाई फिर चलेंगे और पहाड़ों पे ऑफ रोडिंग करने के लिए मज़ा ही आ जाएगा यार फिर तो। मैं तो पता नहीं मेरा मन कर रहा है ना भाई अभी सच में जल्दी से भाई शोरूम पहुँचो और गाड़ी लेके भाई निकल लूँ सीधा पहाड़ों की तरफ, गाइस यार इतना तगड़ा मौसम हो रखा है ना बस मैं तुमको क्या ही तो बताऊं। चलो भाई हमारी खुशी का कोई यहाँ पर ठिकाना नहीं है, और भाई हमारी गाड़ी का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी हमारी गाड़ी ठुक जा रही है। और फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके भाई महिंद्रा थार के शोरूम पे, और यहाँ पर तुम्हारे भाई ने मारी एकदम तगड़े वाली ड्रिफ्ट, बच गई भाई अपनी गाड़ी अभी ठुक जाती। तो चलो गाइस यार ये है ना महिंद्रा थार का शोरूम, और ना यहाँ पर ही अपनी गाड़ी को यहाँ पर ना लगा देते गाइस यार पार्किंग में। ओके तो भाई यही पार्किंग है, थोड़ी छोटी पार्किंग है बट कर लेंगे यार मैनेज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए यार सिंचन तू भी आ जा जल्दी से, और ये चेक करो भाई ये देख रहे हो
सामने की साइड है भाई महिंद्रा थार रॉक्स, ये देख रहे हो यार 5 डोर थार है, कितनी ज़्यादा यार ना ओपी यहाँ पर लग रही है भाई अपनी गाड़ी, ये चेक करो। मतलब अपनी गाड़ी अपनी होने वाली है भाई इनमें से, अभी ना एक कार तुम्हारा भाई लेके जाने वाला है। चलो भाई लोग अभी ना जल्दी से यार पहुँचते हैं ना शोरूम के अंदर और जाके यार ना बात करते हैं मैनेजर वगैरह से, प्राइस वगैरह पूछते हैं। शायद 12 लाख ही हो गया क्योंकि मैंने पूछा था यार कॉल पर, तो उन्होंने 12 लाख बताया था। और यहाँ पर देख लेते हैं ना सबसे पहले अपन को कौन सी गाड़ी चाहिए, ये चेक करो भाई वहाँ पर देख रहे हो कितनी खतरनाक वाली यार लग रही है भाई ब्लैक थार। मैं तो सोच रहा हूँ ना यार ब्लैक ही ले लेते हो, बट यहाँ पे वाइट कलर की भी है ये आप देख सकते हो, और ब्लैक कलर की भी यहाँ पर है। और ये चेक करो भाई, ये मेरे को लग रहा है ना रेड कलर की एकदम लिमिटेड एडिशन है, ये वाली ले ले क्या? अबे हाँ यार फैंगल भैया, मैं तो कह रहा हूँ भाई यही वाली ले लो। और गाइस यार मेरे ना कपड़े भी भाई सब रेड कलर के, और अपनी गाड़ी भी रेड कलर की हो जाएगी ना, एक नंबर लगेगी। सिंचन ले ले क्या? अबे हाँ यार फैंगल भैया ले लो, मेरा तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है यार, इस गाड़ी को देखते ही मेरे को पसंद आ गई भाई, ये गाड़ी जल्दी से ले लो। तो चलो गाइस ना अभी ना ये गाड़ी मैं ना फाइनल करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है भाई रेड कलर की यहाँ पर महिंद्रा थार रॉक्स। तो मैं ना जल्दी से यार ना मैनेजर से बात कर लेते हैं। हेलो सर। हाँ जी सर बोलो, आपको गाड़ी चाहिए क्या? अरे हाँ जी सर, वो सामने खड़ी है ना जो महिंद्रा थार रॉक्स, वो वाली मेरे को गाड़ी पसंद आई है, मैं उसको फाइनल कर रहा हूँ। ओके सर, आप पेमेंट कर दीजिए और अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हो फिर आप। तो चलो गाइस जल्दी से ना भाई इनको ना मैं पेमेंट वगैरह कर देता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ओके तो गाइस यार मैंने पेमेंट वगैरह इनको कर दिया और इन्हें ना गाइस यार गाड़ी को ना भाई इतनी जल्दी ले जाके ना यार गैरेज में भी ना यहाँ पर खड़ा करवा दिया है। वो बोल रहे हैं ना अभी 1-2 घंटा रुको बस ना, गाड़ी अभी रेडी हो रही है फिर आपको मिल जाएगी वॉशिंग वगैरह के बाद, एकदम तगड़े वाली एसेसरीज के बाद। और मैंने उनको बोला ना थोड़ी एसेसरी वगैरह भी लगा देता हूँ, बट इनने बोला ना कि यहाँ पर मतलब अच्छी नहीं लगेगी शोरूम में ना, इतना कुछ है नहीं, तो ना मैं सोच रहा हूँ ना बाहर जाके ना भाई बैनी से ना करवाएंगे भाई अपनी थार को यार मॉडिफाई, और फिर चलेंगे यार ऑफ रोडिंग करने के लिए। और ना अभी सबसे पहले ना थोड़ा यार वेट करते, मैं सोच रहा हूँ ना यार गैरेज में चलते हैं जहाँ पर इनका गैरेज है ना, देख भी लेंगे यार अपनी थार यहाँ पर ना कैसी लग रही है। तो शायद यही वाला रास्ता होगा यार गैरेज में जाने का, आई डोंट नो, बट देखते हैं भाई। सामने देखो यार एकदम मोशन का क्या व्यू आ रहा है, और इतनी तेज तेज बारिश हो रही है ना यार। चलो भाई लोग अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आ चुके, ये चेक करो भाई गाड़ी एकदम सुपर कार यार पैक करके रख रखी है भाई बंदों ने, देख रहे हो यार क्या लग रही है भाई गाड़ी। अबे सिंचन तेरे को कैसा लगा भाई शोरूम? अबे फैंकल भैया मेरे को तो मजा आ गया यार। ओके तो भाई ये खड़ी यार अपनी महिंद्रा थार रॉक्स, भाई एक सेकंड ये क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना यार हमारी नई गाड़ी में? अबे यार कुछ छेड़ तो नहीं रही है वो? अच्छा थोड़ी यार वो चीज़ें टाइट वगैरह करते हैं ना, थोड़े बम्फर वगैरह कहीं लूज लग रहे हो, अच्छा चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। ओके तो भाई यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो ये खड़ी भाई अपनी ना महिंद्रा थार रॉक्स भाई 4x4 5 डोर थार गाइस, देख रहे हो भाई लिटरली क्या लग रही है भाई सब, क्या खतरनाक है। ओ भाई मेरा तो मन कर रहा है ना यार अभी गाड़ी के अंदर बैठ के यार बस ले जाऊँगा यार अपनी गाड़ी को, बट ऐसे लेके नहीं जा सकते। चलो कोई बात नहीं गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी ना जल्दी से ना थोड़ा यार शोरूम के अंदर जाके ना वेट करते हैं और देखते हैं यार अपनी गाड़ी ना अपन को भाई कितनी देर में मिलती है, शायद मिल ही जाएगी यार थोड़ी देर में। तो चलो गाइस अभी ना थोड़ा मैं ना यहाँ पर घूम लेता हूँ इधर से उधर, ये चक्कर भाई शोरूम तो एक नंबर बना रखा है, तो यहाँ पर फोटोग्राफी भी चल रही है, देख रहे हो भाई थार एकदम इतनी दूर से फोटो खींच रहा है ना बंदा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यार थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं यार अपने को गाड़ी कितनी देर में मिलती है। ओके तो गाइस यार ना अपनी गाड़ी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, ये ना हमको बताने आए थे, बोल रहे थे ना अपनी गाड़ी को जाके ले लो, और गाइस यार मैंने पेमेंट वगैरह ना सब इनको कर दिया है, और यार इन्हें बोला ना अपनी गाड़ी जाके ले लो, और फाइनली गाइस तुम्हारे भाई के हाथों में होने वाली है भाई अपनी महिंद्रा थार रॉक्स, वो भी यार 5 डोर कार भाई, मतलब न्यू आई है यार उन्होंने आते ही खरीद ली भाई, देख रहे हैं पूरे लॉस एंजेलिस के अंदर ना भाई पहली थार होगी जो कि हमने भाई यहाँ पर खरीदी है। और ये चेक करो यार क्या लग रही है भाई अपनी गाड़ी अभी ना यार, जल्दी से बैठते हो ना, मैकेनिक वगैरह भी जा चुके हैं शायद, कर दिया यार सब कुछ चेकिंग वगैरह, बस इतनी होती होगी। चल यार सिंचन ब्रो जल्दी से आ जाओ तू भी। अबे आ रहा हूँ यार फैंगर भी, आऊंगा क्यों नहीं यार, हमारी नई गाड़ी है, मैं तो पहले आऊंगा। अबे हाँ भाई आ जा आ जा। और गाइस यहाँ पे ना आराम से निकालनी पड़ेगी अपनी गाड़ी, बस ना यार थोड़ी ठूक वगैरह ना जाए। चलो लेट्स गो, यहाँ पर तुम्हारे भाई ने निकाल दिया भाई अपनी महिंद्रा थार रॉक्स, और भाई फाइनली आप देख सकते हो यार शोरूम के अंदर से हमारी फाइनली आ चुकी है महिंद्रा थार रॉक्स, और भाई अपनी हो चुकी है ब्रो, अब ये गाड़ी है ये चेक करो यार क्या लग रही है भाई, कैसी लग रही है सिंचन तेरे को ये गाड़ी? अबे यार फैंकल भैया मजा आ गया मेरे को तो यार, मन कर रहा है बस इसी गाड़ी को देखता रहूं यार, महिंद्रा थार मतलब भाई यार कितने सालों से ना अपना सपना था यार इस गाड़ी को लेने को, और अब जाके यार पूरा हुआ है फाइनली। अबे हाँ यार सिंचन सही बोल रहे हैं, ये चेक करो गाइस देख रहे हो भाई, वो भी यार बारिश के मौसम में यार, मतलब क्या बोले भाई, भगवान भी चाहते हैं तुम्हारी यार नई गाड़ी है ये भाई, ऐसे कैसे घर लेके जा रहे हो यार, ऑफ रोडिंग करने जाओ ना सीधा।
चलो भाई अभी ना मैं सोच रहा हूँ ना, सबसे पहले यार ऑफ इसको थोड़ा मॉडिफाई वगैरह करवा ले क्या गाइस, क्या बोलते हो? या फिर सीधा ऐसे ही ऑफ रोडिंग करने के लिए लेके जाए, क्या बोलते हो गाइस? मैं सोच रहा हूँ ना यार ऐसे ही लेके चलते हैं, क्योंकि ना फिर वो वाला फील नहीं आएगा। तो अभी हमको टेस्ट भी तो करना है ना भाई, नई गाड़ी है निकलती है भाई बिना मॉडिफिकेशन के, यार कैसे ऑफ रोड करती है ये? तो गाइस यार अपना जल्दी से भाई अपनी गाड़ी को यहाँ पर से ना भगाते हैं और पहुँचते हैं ना थोड़ा पहाड़ी एरिया में चलेंगे गाइस, और वहाँ जाके ना गाइस यार पता चलेगा इसका ना ऑफ रोडिंग टेस्ट मतलब यार ये पास कर पाती है या फेल कर पाती है। चलो भाई लेट्स गो। ओ भाई साहब स्किट नहीं करने का ब्रो, वरना अपनी गाड़ी ठुक जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। चलो भाई अपनी गाड़ी को ना अभी जल्दी से भगाते और ना पहुँचते भाई पहाड़ी एरिया में, और फिर करेंगे भाई एकदम इसका ना ऑफ रोडिंग टेस्ट यहाँ पर, गजब वाला भाई मज़ा आ जाएगा यार। इस गाड़ी से हम ऑफ रोडिंग करें ना भाई मज़ा आ जाएगा, जिंदगी में पहली बार यार हमने महिंद्रा थार यहाँ पर बाय करी है तो ऑफ रोडिंग टेस्ट करना तो भाई बनता ही है। तो बिना जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते और पहुँचते यार माउंटेन एरियाज पे। ओके तो गाइस यार मैंने अपनी गाड़ी को भगाते भगाते ना पहुँच तो चुका हूँ गाइस यार माउंटेन एरिया पे, आप देख सकते हो पूरा एकदम ना माउंटेन एरिया पे मैं आ चुका हूँ। वरना गाइस यार अब तुम्हारा भाई ना टेस्ट करने वाला है भाई अपनी न्यू महिंद्रा थार की भाई ऑफ रोडिंग पावर, और अब देखते हैं भाई महिंद्रा थार का अपना ऑफ रोडिंग टेस्ट होने जाने वाला है भाई सब। ये चेक करो यार गाड़ी एकदम ना अभी तक तो यार एकदम मस्त चल रही है, क्योंकि 4x4 है यार इस गाड़ी के लिए तो एकदम भाई सच्ची में यार बच्चों का खेल होना चाहिए ये। और ना गाइस अभी तक तो मेरे को लग ही रहा है यार इस गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा आसान है यार ऑफ रोडिंग करना। और भाई ये चेक करो यार भाई क्या, अबे साइड में लोयन भी आ रहा है यार, यहाँ पर थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा यहाँ पर से आराम से। अभी थोड़ा बारिश भी आ रही है ना इसलिए थोड़ा यार स्किट वगैरह कर रहे हैं इसके व्हील्स, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हवा देखो यार कितनी तेज के यहाँ पर चल रही है यार, कितना एकदम खतरनाक वाला गाइस यार व्यू लग रहा है, ये चेक कर रहे हो भाई ओपी बोलते। और ना अभी जल्दी से यहाँ से बिना लेके चलते यार अपनी गाड़ी को। ए भाई आराम से यार, ठुकना नहीं बस ठुकना नहीं, नहीं 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 अभी बच गई यार अपनी गाड़ी एकदम नीचे जाती यार। और यहाँ पर तुम्हारा भाई अभी ना थोड़ी ऊपर लेकर आ चुका है अपनी गाड़ी को, और अभी तक तो ना भाई अपनी गाड़ी एकदम तगड़े तरीके से यहाँ पर चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मतलब यार कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और यार गंदी होएगी ना करवा लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वॉशिंग करवा लेंगे अपनी गाड़ी की भाई। अभी ना बहनी के पास भी चलेंगे यार, मैं सोच रहा हूँ ना यार बिना मॉडिफिकेशन की रखते हैं यार अपनी थार को। गाइस यार तुम ना कमेंट्स में लिख के बताना कि हम इस थार की भाई मॉडिफिकेशन कराएं या नहीं कराएं, क्योंकि ना मेरे को तो यार बिना मॉडिफिकेशन के ना ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, और मॉडिफिकेशन के बाद तो और ज़्यादा पावर आ जाएगी। तो तुम बता देना यार जैसा तुम बोलोगे ना भाई वैसा मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा यार इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराने का, अगर तुम बोलोगे तो मैं करा लूँगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लो भाई साहब फाइनली यार तुम्हारा भाई अपनी थार को लेकर आ चुका है माउंटेन शिलियाड के एकदम टॉप पे, ये चेक करो भाई सब क्या खतरनाक हो भाई सब, अबे क्या लग रही है अबे अपनी महिंद्रा थार, मन कर रहा है ना इसी को एकदम देखता रहो यार। व्यू चेक करो भाई एकदम, तू पीछे का देखो यार थार को लेकर तुम्हारा भाई कितनी ऊपर आ चुका है यार, किसी ने आज तक करा ही नहीं होगा यार ऐसे ना कि न्यू थार लेते ही सीधा भाई माउंटेन पर चढ़ाने ले गए हो, ये चेक करो भाई देख रहे हो क्या खतरनाक लग रही है ये भाई। नहीं 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 नीचे नहीं नीचे नहीं नीचे नहीं, थोड़ा फ्लो फ्लो में भाई साहब पहाड़ से नीचे गिरा दिया यार मैंने अपनी गाड़ी को। चलो भाई इधर देखो यार डेंजर लिखा रहा है, पता नहीं उधर क्या सीन है, देखेंगे भाई कभी जाके आई डोंट नो क्या। ये चेक करो गाइस, रुको ना मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखना थोड़ी बारिश आ रही है बट कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी ना तुमको मैं दिखाता हूँ यार कितनी तेज़ हवा चल रही है, ये चेक करो देख रहे हो यहाँ पर भाई फ्लैग्स लगे हुए हैं, वो कितनी तेज़ हवा चल रही है देखो, फ्लैग्स एकदम उड़ने वाले हैं भाई लिटरली। और वहाँ पे खड़ी है ना भाई अपनी महिंद्रा थार, अबे सिंचन तू क्या करने आ रहा है, अबे चलना गाड़ी के अंदर। अबे आ रहा हूँ यार, तुम बाहर निकले तो मैं नहीं निकल सकता क्या? अबे निकल सकता है लेकिन तू छोटा बच्चा है यार समझा कर। अबे यार फैंकल भैया यार तुम भी ना। चलो भाई जल्दी से आ जा फटाफट से बैठ जाए यार गाड़ी में। चलो भाई यहाँ पर सिंचन भी बैठ चुका है, अभी ना यहाँ से थोड़ा हमको ऊपर लेके जाना है अपनी गाड़ी को, लेट्स गो भाई। स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, एकदम न्यू महिंद्रा थार है यार, मजाक थोड़ी है। वह यार ऐसे क्यों कर रही है थार यार, बेइज्जती करवा रही है थार तो। लो भाई बेइज्जती नहीं भाई, सब पहुंच चुके अपनी थार ऊपर। चलो भाई लेट्स गो, तुम्हारा भाई फाइनली यार ना अपनी न्यू थार को लेकर आ चुका भाई एकदम टॉप तक, ये चेक करो भाई देख रहे हो। चलो भाई अभी ना अपनी गाड़ी को जल्दी से यहाँ पर लगाते और थोड़ा यार व्यू एंजॉय करते हैं बारिश का, ये चेक करो भाई फाइनली ऊपर लेकर आ चुका मैं अपनी महिंद्रा थार को न्यू को। और भाई सिंचन को कैसी लगी है गाड़ी? अबे यार फ्रैंकल भैया मजे आ गया यार, मेरे को तो मन कर रहा है इसी को देखता रहो यार, एकदम मजा आ गया यार। 12 लाख की महिंद्रा थार लेके आए, मजाक थोड़ी है, ऑफ रोडिंग तो करनी बनती थी, और अपन ने नई गाड़ी लेती यार ऑफ रोडिंग कर दी इसकी। अबे हाँ गाइस यार सही बोल रहे हो सिंचन, और आप भी ना यार कमेंट्स में लिख के जरूर बताना आपको यार ये गाड़ी कैसी लगी। तो चलो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना चाहे, पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि ना गाइस ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो चलो बाय गाइस।